सो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे गाइज। एक और कमाल की वीडियो फोटो एडिटिंग आ चुका है जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे गाइज। यार फोटो कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ है। एंड हम कुछ बात करें कुछ हमारे शर्ट की कि शर्ट एंड पैंट की, तो गाइज सी भी पूरा बना हुआ है और मैं आपको इस वीडियो में पूरा सी भी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी कुछ इस टाइप का। जो कि अगर आप लोग बैकग्राउंड देखिएगा कितना हार्ड हमारा बैकग्राउंड है गाइज। यार देखिए कितना मस्त हमारा बैकग्राउंड, जो कि सारा कुछ एडिटिंग किया हूँ। देखिए पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले ओनली फॉर बस पिच था। एंड एडिटिंग के बाद आप लोग देख सकते हैं पिच के साथ साथ ये पत्ता उत्ता किस तरह पहले का बैकग्राउंड देखिए कितना अजीब गरीब था। एंड फोटो भी दिख लीजिए, बट एडिटिंग के बाद गाइज कितना ज़्यादा हार्ड एंड फेस कितना ही ज़्यादा वाइट हुआ है। सेम टू सेम आपको एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी गारंटी के साथ। अगर आप लोग वीडियो फुल वॉच करते हैं तो आपको ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट बार से मेरा एक भी वीडियो वॉच मत कीजिएगा। बस आप लोग मेरे एक इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड उसके बाद देखिए मैं आपको ऐसा एडिटिंग सिखा करूँगा, वो भी बिन कमाल तरीके से एंड बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी एंड बिना किसी बकचोदी के। एंड हम चलते हैं बिना एडिट वाले फोटो पे। तो देखिए सबसे पहले आपको बिना एडिटिंग वाला फोटो को ले लेना होगा, जो कि हमारा ये रहा बिना एडिटिंग वाला फोटो, जो कि आप लोग देख सकते हैं गाइज फोटो में कितना ही ज़्यादा अंतर है, जो कि हमारा एडिटिंग वाला फोटो एंड बिना एडिटिंग वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो को हमको शेयर कर देना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप लोग बस वीडियो को आराम से देखिए एंड मैं जो जो ट्रिक यूज करता हूँ उस ट्रिक को आपको यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हम आएंगे इस पर एंड हमको जाना है टूल्स वाला ऑप्शन पर, और हमको जाएंगे डिटेल पर और डिटेल कुछ इतना हाई करेंगे और फिर हम देखिए शार्पनिंग को कुछ इतना हाई करेंगे। देखिए इतना सेटिंग कर लेने के बाद हमको फिर एक बार और टूल्स पे आना है, और इस बार हमको ट्विन इमेज पे जाना है इस वाले पे, और हमको कुछ एम्बियंस को इतना हाई करेंगे और कुछ शेडो को भी कुछ इतना हाई करेंगे। तो देखिए इतना सेटिंग करने के बाद कुछ हम देखिए बिफोर एंड आफ्टर, कुछ फेस हमारा रेड हो चुका है एंड बैकग्राउंड कुछ इस तरह का हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोटो को जाएंगे एक बार और इस पर एंड हमको एक बार और जाना है डिटेल पर, एंड हमको शार्पनिंग को बस प्लस 24 या 23 या 22 आप कर सकते हैं। तो देखिए हमको इतना कर लेना है एंड फोटो को सेव कर लेना है। फिर हमको क्या करना होगा, फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना होगा। तो जस्ट हम इस तरह लाइट रूम पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद देखिए हमको लाइट रूम को ओपन कर लेना है। और देखिए आपको मैं बिना प्रीसेट यूज किए बताऊँगा कि इस तरह फोटो को वाइट किया जाता है, जो कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई बिना प्रीसेट का फोटो बनाइए, जो कि आ चुका है आपके सामने ही फोटो है गाइस यार, बस आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो देखिए हमको कुछ लाइट रूम में आने के बाद जस्ट हमको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन पे, और हमको लाइट पे जाने के बाद एक्सपोजर को प्लस 20 करेंगे, कंटेंट को कुछ माइनस कम से कम 74 कर देंगे। फिर देखिए 74 नहीं, हमको चलिए इसको पूरा 80 कर देते हैं, देखिए बराबर 80, ठीक है 80 कर देंगे। फिर कुछ हाईलाइट को पूरा लो करेंगे एंड शेडो को कुछ हमको इतना हाई करेंगे। देखिए फोटो तो अब बेकार हो गया है, बट अभी देखिए कितना हार्ड होगा। फिर कुछ हम वाइट को पूरा लो करेंगे एंड ब्लैक को कुछ इतना करेंगे। उसके बाद गाइस यार देखिए फोटो में कितना ज़बरदस्त हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त हुआ है। फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा वाइट है, तो किस तरह इसको नॉर्मल करेंगे उसके लिए देखिए हम जाएंगे कलर पे एंड हमको जाना है इस मिक्स वाला ऑप्शन पे। फिर देखिए ये जो इतना ऑप्शन है, ये जो इतना कलर है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट वाले पे हमारा सिलेक्ट होता है, देखिए सिचुएशन भी इतना हाई एंड इसको भी इतना हाई कर देंगे, देखिए इतना पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे दो नंबर पर एंड हमको फिर देखिए सिचुएशन को माइनस करके कुछ इतना माइनस कर देना है, देखिए इतना माइनस 69। फिर इसको इतना हाई करेंगे एंड इसको भी कुछ आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं इसको इतना रखता हूँ। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरह का हमारा हो चुका है एंड आप लोग इसको भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए इस तरह, देखिए कितना मस्त हमारा फोटो हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने देखिए बिफोर एंड आफ्टर, फिर हम जाएंगे इस वाले कलर पर एंड इसको आप लोग इसको कुछ इतना कर दीजिएगा, इसको हाई कर दीजिएगा एंड फिर आप इस पे आकर इसको भी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं, देखिए इसको लो कर दीजिएगा। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ ऐसा हमारा हो चुका है। फिर हम जाएंगे डाउन वाले ऑप्शन पे एंड फिर देखिए इतना ऑप्शन आएगा, कुछ सिचुएशन को -4 एंड टिंट को +4 एंड इसको +6 कर देंगे और इसको +2। फिर देखिए हमको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर एंड हम क्लैरिटी कुछ इतना हाई कर देंगे। तो देखिए इतना सेटिंग कर लेने के बाद हमको फोटो को सेव कर लेना है एंड हम चलते हैं गैलरी में, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमको इतना काम कर लेने के बाद हमको फोटो को शेयर कर देना है कहाँ पे, देखिए हम इस तरह कुछ शेयर कर देना है फोटो को पिकसार्ट एप्लीकेशन का अंदर। तो कुछ हम पिकसार्ट में चले आएंगे एंड मैं देखिए आपको कुछ इतना आसान ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको जाना है कुछ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, देखिए सॉरी हम इस पर गलती से आ गए,
एंड आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, एंड देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेटल का, कुछ हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इरेज पे जाएंगे, कुछ पर्सन पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ये जो हमारे जीन्स है वो बेकार हुआ है, कुछ इसको हम कुछ इस तरह इरेज कर देंगे बेकार वाले पार्ट को, ठीक है। बस इतना पार्ट को हमको कुछ इतना इरेज कर देना है। फिर देखिए आपको एक और काम करना है, आपको ये जो आपका फेस है इसको भी आपको इरेज, फेस एंड हेयर को भी हटा देना इफेक्ट को। देखिए बस हमको अपने हुडी और जो हमारे जीन्स है उसी पे इफेक्ट को रहने देंगे, कुछ हम इसको हटा लेंगे बहुत ही आसानी से, जो कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड हटाने के बाद जस्ट देखिए इस पे हम फेटल वन पे एक बार टच करेंगे एंड इतना सारा ऑप्शन आएगा देखिए इधर नीचे, तो कुछ हमको इस पे नहीं, हमको इस पे आ जाना है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ओवरले, ठीक है ओवरले, हम इस पे आएंगे एंड देखिए कितना ज़्यादा चमक आ चुका है, जो कि आप लोग इस तरह और भी ज़्यादा चमक दे सकते हैं, बट हम इतना ही चमक देंगे एंड हम इसको सही कर लेंगे। तो देखिए हमारा फेस पूरा, फेस नहीं गाइस सॉरी, हमारा जो जीन्स था और जो हमारा हुडी था पूरा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त ये पूरा सीवी टाइप का हो चुका है। तो देखिए उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो उसके बाद देखिए आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग आसानी से लोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए हम जाएंगे कुछ ऐड फोटो पे, और कुछ हमको अपना बैकग्राउंड लेना है और इसको हम ऐड करेंगे। फिर देखिए कुछ इस तरह क्लिक करके इसको दोनों को छोटा कर देना है, फिर हम अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट कुछ इस तरह हम इसको इतना पे बैठा देंगे, देखिए इतना पे, एंड ओपेसिटी को आप लो डाउन करके देख सकते हैं। देखिए कुछ इतना बैठाने के बाद जस्ट हमको जाना है इरेज वाला ऑप्शन पे, एंड कुछ हम क्या करेंगे इसको इनवर्ट कर देंगे, और जस्ट हमको इनवर्ट करने के बाद कुछ हम फोटो को जूमिंग करेंगे और नीचे से कुछ इस तरह हमको इसको अप्लाई पे क्लिक करके एंड इसको हार्डनेस को फुल करके, कुछ पूरा फुल करके कुछ इस तरह देखिए हमको इसको इरेज करना है। देखिए इस तरह कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए मैं कितना आराम से कर दे रहा हूँ एंड कितना मस्त हो रहा है। कुछ आपको इस तरह देखिए इरेज कर लेना है एंड उसके बाद देखिए फोटो हमारा बिल्कुल भी खतरनाक लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको फास्ट कर लेते हैं, तब तक आप आराम से देखिए एंड देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ एंड आपको भी उसी तरह करना होगा। चलिए हम कर लेते हैं, तब तक वीडियो को फास्ट करते हैं एंड आप लोग देखते रहिए। सो गाइस यार देखिए हम कुछ इतना पे इरेज कर लेना है एंड करने के बाद जस्ट हम इसको सही कर देंगे। एंड देखिए जो हमारा हेयर कुछ इस तरह लग रहा है अजीब गरीब, तो हम इसको अभी बहुत हार्ड से भी एडिटिंग करने वाले हैं अपने हेयर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे एंड चलते हैं गैलरी में, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए उसके बाद हमको चलना है कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज मैं आपको कमाल ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको कुछ नीचे शेडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे एंड हमको जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पे। फिर हम क्या करेंगे, इस एक्सपोजर को कुछ जो ये एक्सपोजर है इसको कुछ माइनस करके माइनस इसको 3 कर लेंगे एंड कुछ हमको नीचे इस तरह इसको अप्लाई करना है, देखिए जूता के नीचे कुछ इस तरह हमको अप्लाई करना है। फिर हम जूमिंग करके पूरा पैंट को इस तरह कुछ पैंट के नीचे इसको और छोटा करके कुछ हमको इस तरह अप्लाई कर देना है, देखिए कितना भी प्रोफेशनल लगेगा। देखिए जस्ट इतना अप्लाई करने के बाद हम इसको सही कर लेना है। फिर आपको जाना है सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे एंड आपको जहाँ पे भी अंधेरा दिखाई दे वहाँ पे हमको इस तरह मस्त तरीके से लाइटिंग को दे देना है। देखिए आप लोग मैं कितना मस्त लाइटिंग दे रहा हूँ, कुछ आपको हाथ पे पैर पे एंड हमको फेस पे भी उस जगह गजब तरीके से इस तरह लाइटिंग दे देना है। देखिए इस तरह आपको कोई भी डर नहीं लगना चाहिए, आप डिटेल लाइटिंग दीजिए। देखिए अभी कमाल ट्रिक बताऊंगा आपको पूरा HD फोटो बनाने का तरीका। कुछ हम सबसे पहले इस तरह लाइटिंग को देख लेते हैं ताकि फ़ोटो हमारा मस्त लगे। तो देखिए हम पटाख दे देते हैं लाइटिंग, देखिए इस तरह, देखिए आँख में भी आपको लाइटिंग दे देना है क्योंकि आँख में कहीं कहीं पर ब्लिक सा रह जाता है, तो आपको इस सब बात को ध्यान से रखना है। एंड आप लोग देखिए कितना मस्त लाइटिंग आ चुका बिफोर एंड आफ्टर, कुछ देखिए हमको इतना लाइटिंग देना है। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे टूल्स पे एंड हम जाएंगे डिटेल पे और शार्पनिंग को हाई कर देंगे। तो उसके बाद देखिए वो क्या करना है, रेमनी एप्लीकेशन में ले चलना है फ़ोटो को और हमको रेमनी को यूज कर लेना है ताकि फ़ोटो हमारा फुल HD में हो जाए एंड फ़ोटो हम बहुत ही आसानी से और फुल HD गोरा कर पाए। तो कुछ हमको अपने फ़ोटो पे आना है और ऊपर एनहांस पे क्लिक कर देंगे।
फिर देखिए एक ऐड आता है 30 सेकंड का, चलिए हम इसको स्किप कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ऐड चल चुका है, फिर हम इसको कट कर देंगे। एंड देखिए फोटो हमारा कितना ज़्यादा HD बना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पहले बिफोर एंड आफ्टर फुल HD फोटो हमारा हो चुका है। तो फिर हम कुछ यहाँ से डाउनलोड पर जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद देखिए एक और ऐड आता है, चलिए हम इसको भी स्किप कर लेते हैं। तो ऐड चल जाने के बाद हम ऊपर से कट कर देना है देखिए इस तरह। फिर देखिए फोटो फुल HD एंड बैकग्राउंड कितना हार्ड लग रहा है हमारा। तो उसके बाद हम इसको डन करेंगे एंड फोटो को हम ले चलेंगे कहाँ पे, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। एंड मैं देखिए आपको हर एक ट्रिक बताऊँगा, हेयर सीवी बनाने का ट्रिक एंड पूरा फेस वाइट करने का ट्रिक। तो सबसे पहले कुछ हमको चले जाना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर एंड सबसे पहले हम कुछ आपको हेयर बनाना सिखाएंगे। तो कुछ देखिए हमको हेयर बनाने के लिए हम जाएंगे ब्रश पे एंड हमको क्या करना होगा, इस वाले ब्रश जो देखिए इसका नाम है हेयर। फिर हम सेटिंग पे जाकर कुछ इतना सेटिंग इसको देखिए, फॉलो को 57 एंड एक्सटेंज को 52 रखना है और साइज को अपने हिसाब से। फिर कुछ हमको पूरा फेस को जूमिंग करना है इस तरह अपने हेयर को, और कुछ इस तरह देखिए हमको ब्रश को अप्लाई करना है देखिए इस तरह। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं अप्लाई। कुछ आप लोग ब्रश को अपने हिसाब से रख के एंड कुछ हमको इस तरह आसानी से इसको अप्लाई कर लेना है अपने हेयर पे चारों तरफ, क्योंकि देखिए कितना प्रोफेशनल लग रहा है अब एडिटिंग के बाद। एंड आपको अच्छे से कर देना है ताकि फोटो हमारा बिल्कुल भी प्रोफेशनल लगे और सीवी लगे। कुछ इसको करने के बाद जस्ट हम कुछ इसको भी कर देते हैं इस साइड वाले को भी, ताकि पूरा मीडियम नहीं होता है पूरा हार्ड लगे। देखिए कितना हार्ड हमारा लग रहा है, तो कुछ इसको बराबर कर देते हैं ताकि फोटो हमारा मस्त दिखाई दे दिखे। कुछ हमको इस तरह पूरा बराबर आराम से अप्लाई कर देना है। देखिए आपको अच्छे से एकदम लाइन से अप्लाई करना है, देखिए कितना मस्त लग रहा है। कुछ आप लोग इसको और भी प्रोफेशनली बना सकते हैं इस तरह पूरा बराबर हेयर एडिट करके। कुछ देखिए हम पूरा हेयर ऑयल पेंट चलाकर यानी कि पूरा ब्रश चलाकर कुछ खतरनाक देखिए ये बन चुका है। तो कुछ इतना काम करने के बाद देखिए हम और इसको अपने हेयर को अच्छा बना लेते हैं, इधर छोटा छोटा है इधर भी उठा लेते हैं। देखिए कितना मस्त हमारा लग रहा है। कुछ आपको आराम से यानी कि मैं तो बस बता रहा हूँ किस तरह आपको सब कुछ किया जाता है, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा ठीक है, तभी फ़ोटो मस्त लगेगा। एंड देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो तनी सब क्वालिटी नहीं बट फोटो दब हो सकता है ठीक है। तो देखिए कुछ इतना आपको ब्रश को चला लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे इस ब्रश वाले ऑप्शन पर एंड आपको एक और ब्रश मिलेगा ये वाला ब्रश, इसको लेना है, सेटिंग कुछ इतना रख लेना है। फिर हम फेस को जूमिंग करके एंड कुछ हमको इस तरह इसके साइज को जूमिंग करके देख लेते हैं सेटिंग सही है या नहीं। और कुछ हमको इस तरह देखिए स्मूथ करना है फेस को, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ स्मूथ करने का तरीका, जो कि आप लोग पिछले किसी भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो देखिए हमको कुछ इस तरह स्मूथ कर लेना है, जो कि देखिए कुछ इस तरह आपको आराम से फोटो पर जूमिंग करके एंड जिस तरह हमारा आकार होता है फेस का उसी तरह हमको ब्रश को चलाना है। देखिए इस तरह आप किसी भी तरह ब्रश को मत चलाने लगिएगा, ब्रश को कभी भी अच्छा से चलाया जाता है ताकि फोटो हमारा बिल्कुल भी मस्त लगे एंड कहीं पे भी ब्लैक ढाबा नहीं दिखाई दे। चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, तब तक आप लोग आराम से देखते रहिए मैं किस तरह ब्रश चला रहा हूँ। चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार देखिए हमारा फेस कितना ही ज़बरदस्त स्मूथ हो चुका है। तो फिर देखिए कुछ इतना काम करने के बाद हमको फोटो को ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड देखिए फोटो कितना मस्त हमारा स्मूथ हुआ है, जो कि मैं आपके सामने ही स्मूथ किया एंड बैकग्राउंड भी कितना मस्त बनाया हो। तो कुछ देखिए हमको सबसे लास्ट में यानी कि अभी फिलहाल में ले चलना है स्नैपसीड के अंदर। और देखिए आपको स्नैपसीड में आने के बाद जस्ट हमको जाना है कुछ टूल्स पे एंड सिलेक्टिव पे जाना है। कुछ हमको गर्दन पे इस तरह लाइटिंग देकर सिचुएशन को लो कर देना है और नीचे वाले को भी लो कर देना है। देखिए इतना सेटिंग करने के बाद हमको जस्ट जाना है टूल्स पे एंड आपको पोर्ट्रेट पे आना है। फिर देखिए आपको नीचे स्किन स्मूथिंग को हाई करना है, आई क्लैरिटी को हाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फोटो को शेयर कर देना है कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये हमारा लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो कुछ हम चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो हमको देखिए लाइट रूम में आने के बाद जस्ट हमको जाना है कहाँ पे, कलर वाले ऑप्शन पे एंड हमको जाना है ग्राइंडिंग पे एंड ब्लेंडिंग को पूरा लो कर देंगे। फिर हम इसको डन करेंगे, हम जाएंगे मिक्स पे और हमको जाना है येलो कलर पे और इसकी सिचुएशन को हाई कर देंगे, जिससे क्या होगा चमक आ जाएगा इस पे। देखिए सिचुएशन है लिमिनेंस को हाई करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे सिचुएशन को लो करके इसको हाई कर देंगे। देखिए इस तरह लो इतना कर देंगे, देखिए सेटिंग कुछ इतना कर देना है ऊपर -4। तो देखिए उसके बाद हम इसको डन करेंगे एंड देखिए ये हमारा सेटिंग है जो कि बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है। तो इस टेम्परेचर को +4 एंड इसको +6
और इसको प्लस 8 कर देंगे, फिर इसको माइनस 4। देखिए फिर हम जाएंगे इफेक्ट पे एंड क्लैरिटी को हाई करके विग्नेट को लो, फिर हम डिटेल पे जाकर सर्पेंडिंग को प्लस 36 कर देंगे। उसके बाद देखिए गाइस यार फोटो हमारा कितना ज़बरदस्त एंड कितना क्वालिटी बन चुका है। तो देखिए आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।